नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ डीपीटी डीपीएमटी पीजीडी पीपीटी दोनों के बेस पर क्वेश्चन लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। अभी 15 से 18 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बायलैंग्वेल हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं, ताकि हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 1, टैन ए प्लस कॉट ए का मान होगा। तो यहाँ पे जो हमारा टैन ए और कॉट ए का मान होगा वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? टैन को लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए, और यहाँ से कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए। यहाँ से जब हम इनका एलसीएम लेकर निकालेंगे तो वहाँ से हमारा आएगा ये साइन स्क्वायर 1, हमारा आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ से हम जानते हैं हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी पूरे की वैल्यू जो होगी हमारी ये 1 होगी, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान कॉस ए इंटू साइन ए। वो कॉस ए इंटू साइन ए हमारा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस का हमारा सेक हो जाएगा और साइन का हमारा कोसेक हो जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कॉसेक ए इंटू सेक। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा दिया है 25 मल्टीप्लाई 24 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 25 और 24 का मल्टीप्लाई जो है हमारा 600 आ जाएगा, प्लस ये जो हमारा 28 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 280 आएगा, और यहाँ पे हमारा होगा माइनस 45 डिवाइड बाई, ये होगा हमारा, इसको लिख सकते हैं 1/15। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा 3 आएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा 600 प्लस 280 प्लस माइनस 30, तो ये हमारा आएगा 877। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 877। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का एलसीएम 20 और एचसीएफ 25 है, यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड एचसीएफ इज 25। इफ वन नंबर इज 100 देन फाइंड द सेकंड नंबर इज। यहाँ से हम पहले भी बता चुके थे पिछले क्लास में कि यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो यहाँ से हमारा एलसीएम जो है वो 20 है और एच सी एफ जो हमारा 25 है। यहाँ से एक संख्या यानी जो फर्स्ट नंबर वो हमारी 100 दी हुई है और मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो यहाँ से हमारा सेकंड का होगा, सेकंड इज इक्वल टू ये डिवाइडेड में चला जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 5, यानी सॉल्व करने पे हमारी सेकंड नंबर आएगी 5। यहाँ से कैंसिल,
यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दिया है 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब अपान 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर का मान होगा, यानी इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो एक फॉर्मूला आता है होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये होता है हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम ऊपर वाले पार्ट को हम, ये जो हमारा ऊपर का ए क्यूब है इसको इसी फॉर्मूला पे हम ब्रेक करेंगे और उसमें का एक पार्ट जो हमारा होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट हमारा होगा 0.2 प्लस 0.3 और ऊपर एक पार्ट होगा हमारा सेम वही पार्ट आएगा 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3, ये हमारा 3 होगा और सेम यही पॉइंट ऊपर भी आएगा जो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा मेन रूप से बच जाएगा 0.2 प्लस 0.3 यानी कि हमारा आएगा 0.5। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.5। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, यहाँ नहीं समझ आया या कोई उसके पास क्वेश्चन है तो भी सेंड करें, उसको भी आगे वाली वीडियो में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा दिया है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का योग है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एंड द क्लासेस ऑफ 100 एंड डिफरेंट बिटवीन देयर नंबर इज 28, सम ऑफ द टू नंबर इज, यानी इन दोनों के वर्गों के अंतर का योग दिया। इसमें हमें एक दिया है वर्गों का योग और उनका अंतर। यहाँ से अगर हम ए, एक संख्या ए ले और एक संख्या बी ले तो ये हमारा बोला है वर्गों का योग, तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और इस हिसाब से लेंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए का मान निकालेंगे और बी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हमारा सॉल्व करने पे आएगा 8 आ जाएगा और फिर एक का मान वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, सॉरी ये हमारा 28 रहेगा। तो ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वो हमारा वहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। इनको एक बार आप या तो ऐड कर लीजिए या सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, वहाँ से ए का या बी का मान आ जाएगा तो उसको जो मान आएगा उसको दूसरे समीकरण में रख के बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो बी की का वैल्यू आएगी हमारा, बी का मान हमारा 6 आ जाएगा। तो अब हमें दिया है, पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग यानी दोनों नंबर का सम, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ऐड करने पे 14। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14। क्वेश्चन नंबर 6, दिया है एक मेजे की लागत 180 रुपये है, उसे 216 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज 180, व्हाट इज द प्रॉफिट बाय द सेलिंग फॉर 216। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ से हम पहले निकालेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट सॉरी, यहाँ से हम टोटल प्रॉफिट को टी और एफ से डिनोट करते हैं, टोटल प्रॉफिट। यहाँ से टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारा होता है 280 में से 216 में से 180 माइनस कर देंगे तो हमारा वो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ से हम सॉरी यहाँ से 216 माइनस 180 कर देंगे तो यहाँ से हमारी टोटल प्रॉफिट आ जाएगी। तो जो हमारी टोटल प्रॉफिट आएगी वो 36 आएगी। अब यहाँ से हम परसेंटेज लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये हमारा प्रतिशत लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो इसमें हमारी होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन मतलब लागत जो हम उसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 180। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 20%। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20%। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कृषि त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी। तो यहाँ से हम पहले उसका परिमाप निकालेंगे जो यस की वैल्यू होगी। तो यहाँ से यस की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम तीनों भुजाओं का सम कर देंगे। यस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 प्लस 13 प्लस 14 अपॉन 2। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये हमारा ऐड करने के बाद आएगा 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21। ये हमारा यस की वैल्यू आ गई। अब इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यस की वैल्यू हमारी आ गई यस इज इक्वल टू 21। अब यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला आता है हमारा हीरो सूत्र के नाम से जानते हैं। तो अंडर रूट यस यस माइनस ई यस माइनस बी यस माइनस सी। यहाँ से हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू पुट करने पे आएगा 21। यहाँ पे हम 21 माइनस 15 रखेंगे और 21 माइनस 13 और 21 माइनस 14 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 8 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 84। क्वेश्चन नंबर 8 3 पाई बाई 2 रेडियन का मान है। जो ये रेडियन है, जो रेडियन है हमारा वो एंगल की यूनिट है। जैसे लंबाई की यूनिट मीटर होती है, सेम उसी प्रकार एंगल की यूनिट रेडियन में होती है। तो यहाँ से हमारा हो जाता है ये पाई रेडियन का मान जो होता है, रेडियन को हम जनरली छोटा सी से उसके ऊपर सी लगा के डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पाई रेडियन का की वैल्यू होती है हमारी 180 डिग्री होती है। तो यहाँ से हमें पूछ रहा है 3 पाई बाई 2 रेडियन की वैल्यू। तो यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन 2 कर देंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करने पे आएगा 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, यानी कि हमारा 270 डिग्री आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 किसी यात्रा का आधा भाग
21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पूरी जर्नी की इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, हम यहाँ पे सलूशन बताते चल रहे हैं। तो ये हमारी जो टोटल दूरी है उसको हम यदि 2x मान लें, यानी अगर हम ये दूरी लें तो x हमारा जाने में और x हमारा रिटर्न आने में, यानी टोटल दूरी 2x। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आता है, चाल इज इक्वल टू दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें दूरी यानी डिस्टेंस x फाउंड है, ये भी x है हमारा, ये भी x, यानी x पता है दूरी, x और हमारी चाल दिया है। तो यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, यदि हम चाल को v लें तो t अपॉन v हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार टाइम हमें यहाँ पे 10 आवर दिया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे x अपान 21 प्लस x अपान 24 इज इक्वल टू 10 आवर, यानी कि ये जो हम टाइम निकाल रहे हैं वो हमारा 10 आवर के बराबर है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x इज, यहाँ से आएगा 15x इज इक्वल टू 1680। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आएगी 112 किलोमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से हमारा दिया है 214/16 प्लस 120/15 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। ये हमारा बॉर्ड मास, बॉर्ड मास जो होता है उसके बेस पे ये सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 240 अगर मल्टीप्लाई बाई 1/60 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 1/15 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। तो यहाँ से हमारा आएगा 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 33। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या है। द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज 10:15:24। इफ़ सम ऑफ थ्री नंबर इज 98 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी इनमें बड़ी संख्या निकालना है। यहाँ से हम फर्स्ट ये करेंगे कि जो रेशियो है उनका रेशियो सम निकालेंगे। तो यहाँ से रेशियो सम आएगा, रेशियो सम हमारा आएगा, इनको ऐड कर देंगे 10+15+24। तो ये हमारा टोटल आएगा रेशियो सम 49। अब यहाँ से जो हमारी लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाई, ये सब पर जो सम है वो होगा 98 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारी सबसे लार्जेस्ट नंबर इसमें 24 है, तो ये 24 अपान सबका सम 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, तो हमारा 48 आएगा, ये हमारा 48 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12,
हमारा इनका सम पूछ रहा है। तो इसके लिए जो क्यूब रेशियो है, सॉरी ये जो क्यूब है इनका, इसका फॉर्मूला होता है हमारा टोटल सम। टोटल सम इज इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो एन हमारा है वो लास्ट नंबर है, और बस आइए वैल्यू रखते हैं 10। यहाँ पे 10 प्लस 1 ये हमारा 11 हो जाएगा अपॉन टू ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा टोटल 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर। तो इसको 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू होगा हमारा 1325। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1325। क्वेश्चन नंबर 13, साइन 15 डिग्री का मान होगा, यानी साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, ऑप्शन बी अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 5, ऑप्शन सी 1 माइनस 2 अपॉन 4, ऑप्शन डी 7 माइनस अंडर रूट 5। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। इसको हम 90 अंश माइनस थीटा से करके लगाएंगे, या जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको साइन 16 माइनस 45। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा इतना आएगा। तो यही हमारा साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, 18 डिग्री का मान रेडियन में होगा, यानी इसकी वैल्यू हमें रेडियन में ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारा होता है पाई रेडियन। तो यहाँ से जब 180 डिग्री इक्वल टू इतना होता तो हम एक डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे, तो पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। अब यहाँ से हम 80 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 80। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पाई अपॉन 10 रेडियन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी पाई बाय 10 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 15, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू है हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन की वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ से कॉस को सेकेंड साइड भेज देंगे, यहाँ से इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये ज़रूर बताएं कि हाँ कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो उसको ज़रूर भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।